नमस्कार, इस वक्त हम रांची कॉलेज के मैदान में यहाँ पर सातवां डॉक्टर रामदयाल मुंडा पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल हुआ। दूसरा सेमीफाइनल में यहाँ पर आज जो दो टीमें थी चांडिल वर्सेज गाड़ी हटवार, उसमें से सबसे बेहतरीन खेल का प्रदर्शन जिन्हें किया बाबूलाल, इस लड़के का नाम है बाबूलाल, ने अपनी टीम की तरफ से दो गोल का स्कोरिंग किया। बहुत तेज तर्रार सेंटर फॉरवर्ड बाबूलाल। फुटबॉल कहाँ से खेलना शुरू किया और कब खेलना शुरू किया? हम तो दुर्गापुर में खेल रहे थे पहले, तो बस दुर्गापुर से वहाँ पे हम लोगों का DSCC कैंप है, वहाँ से हम खेलते हैं, तो यहाँ चंडील से खेलते हैं अभी। और अभी तक फुटबॉल में कहाँ कहाँ खेलने का मौका मिला, कौन सा टूर्नामेंट? तो हम नेपाल भी खेले हैं, तो इधर भी डिस्ट्रिक्ट खेले हैं। आज तो दर्शकों का तुमने जीत लिया, चारों तरफ सिर्फ आवाजें बाबूलाल बाबूलाल की आ रही थी। जबरदस्त अटैक किया तुमने और निश्चित रूप से दूसरी विपक्षी टीम को ध्वस्त करके रख दिया। खास करके तुम्हारे साथ से जो चार नंबर का खिलाड़ी खेला था, चार नंबर क्या सुनील, 15 नंबर सुनील और बाबूलाल की जोड़ी बहुत अद्भुत रहा और विपक्षी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और फ्यूचर में भविष्य में और कहाँ कहाँ खेलने का भी उम्मीद है? खेलने का तो कलकत्ता के ईडन गार्डन में खेलने का उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि ये हौसला बहुत आगे तक पहुँचे। बहुत ज़बरदस्त खेल का प्रदर्शन किया इस बाबूलाल आज खिलाड़ी ने। कितना उम्र? 20 वर्ष से बाबूलाल ने निश्चित रूप से डॉक्टर रामदयाल मुंडा फुटबॉल टूर्नामेंट में दूसरी सेमीफाइनल में बहुत बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करके यहां दर्शकों का मन जीत लिया। बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि ये लड़का आगे चल के अपना सिर्फ राज्य नहीं बल्कि भारत की तरफ से खेले। शुक्रिया।